हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्या एंड नाउ फॉर वॉचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन कौन सी बुक है जो कि भाई एकदम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यार लिटरली अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये बुक जरूर पढ़िएगा, और ज़रूर पढ़िएगा, वापस से बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ ये जो बुक्स हैं लिटरली इम्पॉर्टेंट हैं। और ये इतनी चीज़ें आप कर लेते हो, ये इतनी बुक्स अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बायोलॉजी का तो टेंशन छोड़ ही दीजिए आप। ओके, तो देखते हैं कि बायोलॉजी के लिए हमें ऐसा क्या क्या पढ़ लेना है और कौन कौन सी बुक में क्या क्या पढ़ लेना है ऐसा, जिससे हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो देखते हैं। देखो यार, फर्स्ट थिंग तो आपको एकदम, मतलब इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है कि आपको अपडेटेड एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। एनसीईआरटी तो भाई सपने में भी नहीं छोड़ना है, और एनसीईआरटी आपकी लाइन बाय लाइन होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको एनसीईआरटी, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी का। और ध्यान रखिएगा, आपको कैसे एनसीईआरटी लेनी है, अपडेटेड एनसीईआरटी लीजिएगा, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी 2-3 साल बाद करेक्शन होती रहती है। तो एनसीईआरटी आप मतलब एकदम नई एनसीईआरटी लीजिएगा। ओके, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी की समरी आप ज़रूर देखिएगा, देखना नहीं है मतलब एकदम कंठस्थ करना है, दिमाग में आपको अपने सेव करना है समरी। समरी भूलिएगा भी नहीं। मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ ले जाते हैं लेकिन लास्ट में समरी छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो यार ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, समरी ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपकी बुक में जो ऐसे बॉक्स में कुछ थ्योरी नहीं दी रहती है उसे ज़रूर करिएगा, जो ऐसे बॉक्स बना के कुछ थ्योरी दी रहती हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा आपकी एनसीईआरटी बुक की ही। ओके, और दूसरी मैं बात करूं अगर कि आपके नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा आपको क्या पढ़ लेना है, क्या कर लेना है, तो एक तो आपकी एक ये अपडेटेड एनसीईआरटी हो गई, एंड सेकंड वन आपकी नोट्स, ऐसी नोट्स जो आपके टीचर ने बनवाई हो और आपने अपने हाथों से बनाई हो। ओके, जो आप देखो यार, आप नोट्स तो बनाए ही होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। ओके, नोट्स आप बना लीजिए, वो नोट्स जो है आपके लिए एकदम रामबाण औषधि का काम करेगी, और लास्ट टाइम में नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ओके, तो एक चीज़ और करिएगा आप, आपकी जो ये एनसीईआरटी बुक हो एंड नोट्स जो हो, इसकी पीडीएफ आपके फ़ोन में या फिर जो भी डिवाइस आप चलाते हो, जिस भी डिवाइस से आप पढ़ते हो, आपके टैबलेट, आपके फ़ोन में इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, जिससे आप जब ट्रेवलिंग वगैरह पे हो या फिर कहीं भी हो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे एक एक मिनट यूटिलाइज करना, बच्चे एक एक मिनट यूटिलाइज करना, एक एक मिनट आपका कीमती है, बातें समझते हो आप, तो इसलिए आपके फ़ोन में भी पीडीएफ आपकी होनी चाहिए। और दूसरी मैं बात बताऊँ आपको, यहाँ पे जैसे मैं आपसे नोट्स की बात कर रही हूँ, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार कुछ की पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं आपके एग्ज़ाम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीज़ें आपको m.m एजुकेशन पे ही मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके, तो ये तो रही इतनी बातें। और थर्ड बात मैं आपको बताऊँ तो यार, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। ओके, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर यार जब आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एक बात याद रखिएगा, पहले ये एनसीईआरटी पूरी करने के बाद, लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी की समरी पढ़ने के बाद, यहाँ पे जो बॉक्स वाली थ्योरी होंगी उन्हें पढ़ने के बाद आप ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। वाकई बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हाँ, एक बार आप ब्लैंक माइंड से ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, वो अलग की बात है, तब ना आपको ये पता चल जाएगा कि यार हमें कितना पढ़ना है और कितना हमें आता है, कितना आता है और कितने पे वर्क करना है, आपको एकदम अपने बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो आप उस हिसाब से अपने ऊपर वर्क कर पाओगे। और ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर एकदम मस्ट है, इसे ज़रूर करिएगा। हाँ, अगर आप आगे मतलब और पीछे के क्वेश्चन पेपर करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं, लेकिन हाँ लास्ट 10 ईयर ज़रूरी है, और पीछे के भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आप अपनी नॉलेज के लिए कर सकते हो, बिकॉज ऑफ सिलेबस चेंज होता रहता है। आगे फोर्थ नंबर पे आप क्या कर लीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के MCQ,
फिर से बोल रही हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू तो भाई हर हाल में सॉल्व करिएगा ही करिएगा। एंड फिफ्थ नंबर पे मैं आपको बताऊँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर रखिएगा। ओके, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिएगा। तो यार बस यही पांच पॉइंट हैं, यही पांच पॉइंट हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी फोर्थ पॉइंट नहीं है यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। एंड ये फिफ्थ पॉइंट, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, बस इतना कर लीजिएगा। 72 बुक ना लेके बैठिएगा, वरना आप हो जाओगे कन्फ्यूज। तो यार दैट्स ऑल, इतना मतलब पर्याप्त है भाई आपके एग्जाम के लिए, बायोलॉजी के लिए इतना पर्याप्त है। इधर उधर के चक्कर में ना पड़िएगा, इधर उधर भटकने की कोशिश ना करिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसी में चक्कर काटते रह जाओगे। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भाई वो फोकस की है, स्टडी पे टाइम दो, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और सबसे बड़ी बात आपका फोकस होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए। बस यार इतनी चीज़ें आप रखिएगा और फिर तो आप मतलब एकदम क्लियर ही हो जाना है। तो फ्रेंड्स होप है आप ये पांच पॉइंट ज़रूर करोगे, और फोकस जो मैंने आपसे बात बोली, ये फोकस एकदम की है आपके एग्ज़ाम की, हर एग्ज़ाम की यही होती है फिलहाल फोकस। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप और हम बने रहें साथ में। ओके, बाय बाय।